नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, पाइल्स यानी कि बवासीर के लिए हम आज आपको बता रहे हैं 13 ऐसे घरेलू इलाज जो कि रामबाण इलाज हैं। जी हां, बवासीर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक खूनी बवासीर और दूसरी वादी बवासीर यानी कि बादी बवासीर। बादी बवासीर में मस्से सुर्ख होते हैं, खूनी बवासीर में मस्से सुर्ख होते हैं और उनमें से खून गिरता है, जबकि बादी बवासीर में खाज और पीड़ा, इसके साथ साथ सूजन बहुत होती है। अतिसार, संग्रहणी और बवासीर, यह तीनों एक दूसरे को पैदा करने वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं खूनी बवासीर और बादी बवासीर को जड़ से मिटाने के सरल आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में। जीरे को भूनकर उसमें जरूरत के अनुसार मिश्री मिलाकर मुंह में डालकर चूसें तथा भुने हुए जीरे को पानी के साथ पीसकर बवासीर के मस्सों पर लेप करें। इन दोनों तरफ से बवासीर की पीड़ा निश्चित शांत हो जाती है। छोटी पिपली का चूर्ण शहद के साथ देने पर बवासीर के रोगी को आराम मिलता है, तो ये भी नुस्खा आप अपना सकते हैं। इसके बाद है 1 या 1.5 चम्मच आंवले का चूर्ण, सुबह शाम शहद के साथ लेने पर बवासीर में लाभ पहुंचता है, इससे पेट के कई रोगों का भी अंत हो जाता है। खूनी बवासीर में नींबू को बीच से चीरकर उस पर 4 ग्राम कत्था पीसकर बुरक दें और उसे रात में छत पर रख दें। सुबह दोनों टुकड़ों को चूस दें। यह प्रयोग 5 दिन तक करें, खूनी बवासीर के लिए उत्तम घरेलू दवा है ये। खूनी बवासीर में गेंदे के हरे पत्ते 9 ग्राम, काली मिर्च के 5 दाने और कुंजा मिश्री 10 ग्राम लेकर 10 ग्राम गर्म पानी में पीसकर मिला लें। दिन में 1 बार 4 दिन तक इस पानी को पिएं, गर्म चीज़ें ना खाएं, खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। इसके बाद है 50 ग्राम बड़ी इलायची तवे पर रख कर जला लें, ठंडी होने पर बारीक पीस लें और इसे रोज सुबह 3 ग्राम चूर्ण 15 दिनों तक ताजे पानी से लें। ऐसा करने से बवासीर में लाभ होता है। ताजा मक्खन और काले तिल दोनों 1-1 ग्राम मिलाकर खाने से सूखी बवासीर नष्ट होती है, इसे रोज सवेरे 8 दिन खाएं। कमल का हरा पत्ता पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर खाएं, बवासीर का खून आना तत्काल बंद हो जाएगा। प्रतिदिन दही और छाछ पीने से भी बवासीर खत्म हो जाती है। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लें, सूखे टुकड़ों में 1 तोला प्याज लेकर के घी में तलें, बाद में 1 मासा तिल और 2 तोले मिश्री उसमें मिला करके रोज सुबह इसका सेवन करें, ये भी बवासीर को खत्म करता है। सुबह सवेरे रोज बकरी का दूध पीने से बवासीर का खून गिरना बंद हो जाता है। मूली का नियमित सेवन दोनों तरह के बवासीर को ठीक कर देता है। गुड़ के साथ हरड़ खाने से बवासीर का नाश जल्द ही हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है पाइल्स खत्म हो जाएगी, यानी कि पाइल्स की बीमारी खत्म हो जाएगी। बस कुछ एक सावधानियों का ध्यान रखना होता है। इसी से रिलेटेड ये थी आज की हमारी जानकारी। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।